हेलो चिल्ड्रेन यस हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड फाइव यस कैसे हो बच्चों अच्छे हो ना यस yes, अभी तो कुछ देखो ये लोग कैंडल चला ये पीछे कैंडल है क्या मे बी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे होंगे ना आप लोग ने तो किसी ने बोला मेरे को सर हैप्पी न्यू ईयर ऐसा कुछ भी कैसे बच्चे मेरे स्टैंडर्ड फाइव के ओके आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू बेटा हैप्पी न्यू ईयर ये वेलकम टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्या वेलकम ना कोरोना ने वेलकम कर दिया पूरा अच्छे से ओके बेटा सी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली एंड वेरी 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 गॉड ब्लैस यू बिकॉज दैट दिस न्यू ईयर आपकी लाइफ के अंदर इन शॉर्ट आप लोग कि हेल्थ जो है ना बहुत अच्छी रहे अच्छे अच्छे खाना खाओ और कोरोना को भगाओ वैसे भी कोरोना तो है ही नहीं हमारे पास हमारे पास क्यों आएगा ना बिकॉज हम लोग तो हेल्थी है ओके सो so, विजय सर स्मैस मैजिक क्लास के अंदर आप लोगों सबको वेलकम एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर और आप जब भी मिलो ना तो हैप्पी ईयर बोलना सर को आई मीन टू से मुझे नॉट ओनली मुझे और भी टीचर्स को ओके बेटा सो so, चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखो ये दोनों मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना कैंडल कैंडल है ये पता नहीं क्या पता क्या है ये ओके देखते क्या चीज़ है ठीक है तो चलो अभी हम लोग चैप्टर देखते हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड इट्स नेम इज एरिया एंड इट्स बाउंड्री देखो ये चैप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपको पता है ना एरिया पैरामीटर ये सब कुछ मैंने सिखाया था ये थर्ड चैप्टर हाउ मेनी स्क्वायर्स वाला चैप्टर था ना इसके अंदर हम लोग एरिया ऑफ ऐसे फाइंड करते हैं तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया था एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है बोलो बोलो जैसे कि स्क्वायर हो स्क्वायर मैं खाली एस लिख रहा हूँ आप लोग खाली समझ लेना स्क्वायर हो तो क्या होता है इसका एल मल्टीप्लाई एल और रेक्टेंगल हो तो ये मैं क्या बता रहा हूँ एरिया का बता रहा हूँ एरिया ठीक है ना स्क्वायर हो तो एल मल्टीप्लाई यानी एल इंटू एल और रेक्टेंगल हो तो बेटा एल इंटू बी याद करो ऐसा कुछ सिखाया था मैंने थर्ड चैप्टर के अंदर याद है ओके और बाउंड्री का मतलब क्या होता है उसकी फोर साइड्स हाँ पैरामीटर बोलते हैं बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग पैरामीटर क्या बोलते हैं पैरामीटर तो चलो स्क्वायर हो तो क्या आएगा एल प्लस एल प्लस चलो लिख के बताऊं एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल और चारों बार एल नहीं लिखना हो ना तो हम लोग फोर मल्टीप्लाई एल लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई एल देखो चार बार हो गया ना एल और रेक्टेंगल तो क्या आएगा बोलो किसको याद है इसका फॉर्मूला पहले टू लिखेंगे और फिर एल प्लस बी मतलब कि टू टाइम्स एल है और टू टाइम्स बी है ना देखो जैसे कि ये है ना रेक्टेंगल है ना तो देखो यहाँ पे मैंने एल प्लस बी लिखा मतलब ये एल और ये एल दो बार एल हो गया ना यानी लेंथ दो बार हो गई और ये क्या है विड्थ थी उसकी और विड्थ को हम क्या बोलते हैं ब्रिज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं येस ब्रीथ एल बी बोलते हैं ना ऐसे तो ये वृत और व्रत दोनों एक ही है बेटा ठीक है यानी इसकी चौड़ाई पहले इसकी लंबाई तो चौड़ाई भी कितनी है टू याद करो मैंने सब कुछ बताया था कि रेक्टेंगल के अंदर दोनों साइड्स होती हैं ना ऑपोजिट साइड्स और हो कैसी होती है इक्वल होती है और हाँ अभी ये दोनों देखो आमने सामने यानी कि ऑपोजिट है तो ये दोनों इक्वल है ये भी दोनों आमने सामने ये भी दोनों इक्वल है तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं और अपोजिट डिरेक्शन कैसी होती है सेम मानो ये सिक्स तो ये भी सिक्स ये फाइव तो ये भी फाइव गोटीन और स्क्वायर के अंदर क्या हो सर चार? चारों साइड्स इक्वल होती है इसलिए हम लोग एल कितने बार लिखते हैं एल 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 प्लस याद रखना पैरा हो तो हमेशा प्लस का साइन आता है हाँ लेकिन हम लोग को ये चार बार एल ना लिखना हो ना तो हम लोग फोर टाइम्स एल लिख सकते हैं देखो एल यानी लेंथ चार ही है ना स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है फोर साइड्स वन टू थ्री एंड फोर यानी इसकी बाउंड्री हो गई और बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं पैरा क्या बोलते हैं पैरा तो एक दो तीन चार चार बार हमको एल ना लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे एल को सीधा फोर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी सही है बट एरिया के अंदर कंपलसरी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है यानी ये और ये मान लो ये स्क्वायर है ओके okay? मान लो स्क्वायर तो ये और ये इन दोनों का क्या करने का मल्टीप्लाई और रेक्टेंगल हो तो भी ये और ये यानी कि स्क्वायर हो तो एल मल्टीप्लाई एल और रेक्टेंगल हो तो एल मल्टीप्लाई बी अच्छा आप सोचोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने समझाया था तो पैरामीटर मतलब बाउंड्री बाउंड्री मतलब चारों साइड्स यानी चारों साइड्स का एडिशन करना ये चारों साइड्स चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो बट एरिया का मतलब क्या है ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट है ना ये पूरा पार्ट आ गया यानी ये चारों तो है ही बट उसके अंदर का ये जो है ना भरा हुआ जो हिस्सा है ना फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रूम होता है ना बेडरूम तो मैं बोलूँ कि पैरामीटर फाइंड तो आप क्या करोगे चारों जो वॉल है ना चारों साइड्स उसका खाली आप फाइंड आउट करोगे कितना है बराबर लेकिन मैं बोलूँ कि आपके रूम का एरिया क्या है तो आपने एरिया रूम के अंदर क्या रखा होगा बेड रखा होगा फिर डेस्क रखा होगा कंप्यूटर टेबल होगा चेयर्स रखी होगी यानी सब कुछ मान लो ये आपका रूम है तो यहाँ पे मानो बेड बेड रखा है यहाँ पे कंप्यूटर का टेबल है ये यहाँ पे विंडो भी है फिर यहाँ पे कपबोर्ड है दो फिर यहाँ पे टी यानी सब आ गया ये पूरा रूम आ गया और मैं बोलूं कि पैरामीटर यानी बाउंड्री कैप आपके रूम की तो आप क्या करोगे खाली जो चारों वॉल है ना नीचे से ये इस बाउंड्री उसी का एडिशन करके बताओ पता चल गया तो एरिया का मतलब होता है फुल प्लेस यानी पूरा सरफेस और बाउंड्री यानी ओनली साइड्स ओनली चारों साइड्स फोर साइड्स अगेन रिमेंबर स्टूडेंट्स एरिया में मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों साइड्स का और बाउंड्री यानी कि पैरामीटर में सिर्फ एडिशन होता है वो भी बाउंड्री के चारों साइड्स का पता चल गया चलो अभी हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं ठीक है ध्यान रखना बेटा यहाँ हुज स्लाइस इज बिगर अच्छा ये स्लाइस है ओके देखते हैं पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ आम पापड़ वाओ अभी तो ठंडी के मौसम में आम पापड़ नहीं मिलता मिलता है होगा हाँ ड्राइड मैंगो स्लाइस अच्छा आम पापड़ खाए ये मैंगो स्लाइस है ओके फ्रॉम अ शॉप उन्होंने दोनों ने खरीदा है मैंगो शॉप से ये खरीदा है देर पीसिस लुकड लाइक दिस उनका पीस ऐसा दिख रहा है यानी लेंथ उसकी कितनी सी अब सोचो जो जो सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला या वो फॉर्मूला है तो बेटा ऑब्वियसली लेंथ दोनों इक्वल होना दोनों एक ही खाली एक ही मेजर खाली लिखा हो कि लेंथ तो मान लेने का कि वो क्या होगा स्क्वायर होगा और लिखा होेंथ एंड विथ तो क्या होगा वो रेक्टेंगल होगा जब दोनों मेजरमेंट दिया दोनों माप दिया हो ना तो हम क्या बोलेंगे रेक्टेंगल ओके क्या लिखा है आप बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर एक ने ऐसा लिया और एक के पास ऐसा है लेकिन किसका बड़ा है वो पता नहीं चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका एरिया पता चल जाएगा सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर अच्छा उनको सजेस्ट करो कि किसका पीस बड़ा है डिस्कस करके तो अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स अच्छा अब देखो ये रहा ये पार्थ है और ये गिनी का है पार्थ का ये रहा उसका ऐसा स्लाइस है यानी लेंथ उसकी इलेवन है और ये थ्री है तो चलो मुझे बताओ फटाफट बता दो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना होगा एरिया स्क्वायर का एरिया इन दोनों का मल्टीप्लाई सिक्स फाइव या थर्टी और इसका इलेवन थ्री या थर्टी थ्री इसका थर्टी हो रहा है इसका थर्टी थ्री तो किसकी स्लाइस बड़ी है इसकी यानी कि पीस बी बड़ा है ना देखो यहाँ पे वही पीछा है द लेंथ ऑफ पीस ए इज सिक्स सेंटीमीटर सो सिक्स स्क्वायर ऑफ साइड वन सेंटीमीटर कैन बी अरेन्ज अलॉन्ग इट्स लेंथ यानी ये वन वन सेंटीमीटर है ना यहाँ हाँ, पे वन वन सेंटीमीटर देखना तो यहाँ पे सिक्स होता है वन टू थ्री फोर फाइव आपको देखो मैं स्केल से भी बता देता हूँ देखो ये सिक्स सेंटीमीटर ही है थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बाकी है तो सिक्स ही है ना सिक्स वन टू थ्री फोर अच्छा बहुत छोटा दिख रहा है ना लेकिन सिक्स है ओके और ये फाइव ही है देखो ये रहा फाइव ये फाइव यहाँ तक आ रहा है वन, टू, थ्री, फाइव। और ये इलेवन ही है ओके तो द दिथ ऑफ पीस फाइव सो तो फाइव स्कोय कैन बी अरेंज अलोंग इट्स विद यानी कि फाइव फाइव स्क्वेयर इसके अंदर आ जाएंगे पूरे के अंदर ठीक है ना ये फाइव ऐसे फाइव ऐसे और ऐसे रखना हो तो ऐसे सिक्स 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 ऐसे फाइव टाइम्स आ जाएंगे Now, देखो इसके अंदर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी जो मेन टॉपिक है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ बट पहले ये इतना समझ लो कि एरिया कैसे करते हो बाउंड्री ओके ऑल टूगेदर हाउ मैनी ऑन इट ओके दोनों के साथ में कितने स्कोर्स हमको इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं बोलो कितना स्क्वास आएगा फाइव स्क्स कैन बी अरेंज अलोंग इट्स विड्थ यानी फाइव ऐसे आएगा और सिक्स ऐसे आएगा बोलो कितना आएगा ऐसे सिक्स और ऐसे फाइव देखो लिखा है ना The width of piece A is five और इसका five squares can be arranged along with width. कितना आएगा पे दोनों मिला के कि तो इसके कितने स्क्वायर्स आएंगे टोटल थर्टी आएंगे कितना आएंगे बेटा थर्टी सो द एरिया ऑफ पीस ए इज थर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर आया समझ में देखो यहाँ पे करके भी बताया इट्स तो तो हाँ, आपको बताना बोली जब एरिया फाइंड करना तो पीछे हमको कौन सा वर्ड लिखना पड़ता ये भी मैंने बताया था स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ध्यान रखना एरिया फाइंड करने की देखो अभी लास्ट यूनिट टेस्ट हुआ था ना उसके अंदर काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक की है हाँ और नहीं तो क्या पीछे कौन सा वर्ड लगाना है सेंटीमीटर ऐसे लिख लिखी फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो या तो फिर आप पूरा स्पेलिंग लिखो आपको आता हो तो या फिर शॉर्ट में लिखो एस क्यू सी एम स्क्वायर सेंटीमीटर इसका मीनिंग वही हुआ स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों हम स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं क्योंकि सुनो मेरी बात बिकॉज ये और ये ऐसे है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई है सो so, इससे हम उसको क्या लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं क्या लिखते हैं स्क्वायर सर रेक्टेंगल हो तो भी हाँ रेक्टेंगल हो तो भी स्क्वायर ही लिखना है इन शॉर्ट चाहे स्क्वायर uh, का आप एरिया फाइंड करो या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो दोनों फाइंड करने के बाद पीछे तो क्या वर्ड कौन सा वर्ड लगाना है स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर के बाद ऊपर स्क्वायर लगा दो इसको स्क्वायर बोलते हैं या टू भी बोल सकते हो सेंटीमीटर रेस टू टू और या तो फिर ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो लेकिन चाहे क्या बोलते हैं ना इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों का फाइंड आउट करने के बाद क्या लगाना है ये वर्ड लगाना है अगेन इन दोनों का इसके अंदर एरिया में हमेशा अरे मल्टीप्लीकेशन होता है और बाउंड्री में हमेशा एडिशन करना है बाउंड्री यानी चारों साइड्स और एरिया यानी फुल एरिया फोर सरफेस ओके इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी चलो पीस बी का कितना होगा ये है ना नोटबुक में नहीं करना है इसी के अंदर करना है चलेगा तो हम लोग लिखेंगे इलेवन मल्टीप्लाई थ्री है ना इलेवन मल्टीप्लाई थ्री बराबर यानी इज इक्वल टू थर्टी थ्री मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपसे ध्यान देना मैं ये स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा मैं सेंटीमीटर ऐसे लिखूंगा तो आप ध्यान रखना ठीक है हाँ ऐसे भी लिख सकते हो बराबर ना ये फर्स्ट लेक्चर कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट हो इसका में करने के लिए। चलो अच्छा इसको नोटबुक में लिखना है One, two, three, four की कर देना नहीं करना है चलो किसका बिगर है इसका थर्टी थ्री और इसका थर्टी तो किसका बिगर है पार्थ का लिखना है क्या पार्थ, पार्थ ड द बीगर पीस पहले मैंने पार्थ लिख दिया फिर आप क्या लिखोगे पार्थ हैड द बीगर पीस हाउ मच बीगर तो कैसे लिखोगे थर्टी थ्री माइनस थर्टी इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर पहले स्क्वायर बोल इसमें इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर बीगर या फिर बिग ओके पता चलिए न चलो कवर द स्टेम्स अब ये कवर करना है देखो ये स्टैंप है स्टैंप यानी पता चला बेटा यस yes, ये इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट का टिकट है हाँ देखो ये फाइव मतलब 25 पैसे की टिकट है। लिखा है भारत इंडिया ओके okay? ये कहाँ पे यूज होता है बेटा किसी को हमको पोस्ट करना हो ना यस। पोस्टमैन आता है ना घर पे जिसको हिंदी में डाकिया बोलते हैं कोई लेटर वगैरह देने आता है ना यस yes. उसने खाकी वर्दी पहनी होती है ना यूनिफॉर्म पहना होता है ना ये yes, तो हम लोग को किसी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो ना तो हमको टिकट यानी कि स्टैंप लगाना पड़ता है ये भी हम लोग थर्ड चैप्टर में सीख चुके हैं इसके बारे में स्टैंप क्या होता है मैंने सबको वहां पे उस चैप्टर में आपको समझाया था ओके सो स्टैंप हैज एन एरिया ऑफ फोर स्क्वायर सेंटीमीटर हाँ ये फोर ही है देखो फोर ही है ना देख लो आपको देख के पता चल गया होगा देखो देखो ये फोर है ये टू हो गया यहाँ पे एरिया लिखा है बेटा एरिया ऑफ फोर स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया फोर है देखो ऐसे टू तो ऐसे भी कितना होगा टू ही होगा मेजर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल हो और हमको एरिया बोला एरिया मतलब दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई यानी ये टू सेंटीमीटर ये भी टू सेंटीमीटर तो टू एंड टू कितना हो फोर हो गया तो फोर लिखा है ना गैस आपको गैस करना है क्या गैस करना है हाउ मैनी सर्च स्टेम्प विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल यानी बड़ा सा रेक्टेंगल में कितने स्टैम्प्स आएंगे तो बताओ मुझे तो उसके लिए तो हम लोग मेजरमेंट तो करना ही पड़ेगा चलो ये टू है यहाँ से फिर से और देख लेते हैं ये कितना हो रहा है देखो एक यहाँ पे आएगा देन अगेन हीयर ही ऑल्सो हेयर ऑल्सो ओके यानी सब टू टू है, है न टू ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है यहाँ से बट टू टू है और ये ऐसे कितने आएंगे ऐसे भी हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं चलो देख ले देखो बेटा हाउ मेनी सर्च विल कवर हिज बिग रेक्टेंगल कितने स्क्वायर्स आएंगे बोलो तो एक दो तीन चार पाँच छः सात यानी ऐसे सेवन और ऐसे वन टू तो, थ्री फोर ऐसे फोर तो कितने होंगे टोटल लोग ऐसे सेवन है ऐसे कितने हैं सेवन और ऐसे कितने हैं फोर सारे नहीं गिनने हैं दोनों को मल्टीप्लाई करो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट ही है फोर फोर टू जा अच्छा ऐसे सेवन सेवन टू जावन थ्री ट्वेंटी वन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट तो ये कितने हमको कोई कितने कवर कर पाएंगे तो इसका आंसर भी लिख, लिख लिखना ट्वेंटी एट सॉरी सॉरी ट्वेंटी एट क्या लिखोगे ट्वेंटी एट अब ये बेटा सारे क्वेश्चन सर एक, एक चीज छोटी इसको आपको खुद आंसर लिखना है काउंट करके बराबर बड़? चलो अभी इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं ठीक है चेक योर गैस ओके मेजर द येलो रेक्टेंगल इट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग येलो रेक्टेंगल ये कितना लॉन्ग है बोलो खाली लॉन्ग पूछा है, है कितना लॉन्ग होगा वेरी गुड कितना है बेटा बोलो बोलो चलिए बोलो सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड फोर्टीन तो कितना लेंथ इसका कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है लॉन्गीन सेंटीमीटर लॉन्ग हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ उसकी लेंथ में कितने स्क्वायर स्टेम्स आएंगे सेवन सेवन ही आएंगे ना देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन गॉट इट नाउ हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल रेक्टेंगल कितना वाइड वाइड यानी चौड़ा यानी उसकी ब्रीथ कितनी कितना वाइड ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे तो तो लिखेंगे एट ये नोटबुक में करना है मतलब होता है नोटबुक में करना ये क्वेश्चन पहले इसको क्या करना है इसको ड्रॉ करना है ये ये चलेगा ये क्वेश्चन इसके अंदर लिख दोगे तो चलेगा बट लिखें कवर विथ स्टैम्स ये टाइटल देना और टाइटल के बाद ये अच्छा सा रेक्टेंगल देखो इसके अंदर थोड़ा मेजरमेंट कम है यहाँ से क्योंकि बुक के अंदर प्रिंट किया हुआ है ना इसके अंदर आप अच्छे से करना और ये ड्रॉ करना आपको जैसा आ वैसा ड्रॉ करना है इसके अंदर ये वाला ये दो दिख रहे हैं ना मैं बताऊँ ये कौन है ये आई थिंक ताना रेडी है बेटा ताना रीडी आई थिंक वही लग रही है ताना रीडी वर्ड नगर है ना नरेंद्र मोदी जो है ना हमारे पी एम उनका विलेज उनका नेटिव है ताना री वर्ड नगर तो वहाँ की ये दोनों फेमस म्यूजिशियन थी बहुत जोरदार संगीत मतलब गाती थी सिंगर थी आई थिंक या फिर सिंगर थी मेरे ख्याल से बहुत जोरदार गाती थी इनका वॉइस बहुत जोरदार मतलब कुछ मैजिक जैसा भी कुछ मिरेकल हुआ था और वो मिरेकल भी होता था इस, मतलब ऐसा कुछ चमत्कार भी हुआ था ऐसे कुछ है मुझे वही लग रही क्योंकि दोनों बहन लग रही है ना इसीलिए ताना रीरी दोनों सिस्टर लग रही है नाइनटी नाइन परसेंट श्योर ताना रीरी मुझे लग रहा है ऐसा फिर पता नहीं फिर है ओके तो आपको ड्रॉ भी करना है वो वाला रेक्टेंगल ओके हाउ मेनी स्टेम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स विथ उसकी विथ्स में कितने आप पाएंगे फोर जब उसकी लेंथ एट है फोर ही आएंगे ना अभी तो हमने देखा देखो वन टू थ्री एंड फोर नाउ हाउ मेनी स्टेम्प आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल कितने स्टैम्प चाहिए तो अभी हमने देख लिया टोटल पूरा कवर करने के लिए कितना चाहिए ट्वेंटी एट हाउ क्लोज वर्स यूर अर्लियर गैस इट्स प्री टी मतलब आपका गैस कितना अच्छा था तो इसका आंसर लिख सकते है माई गैस जी यू ई डबल एस इज पी आर ई आई टी वाई प्री टी प्री टी ठीक है आई लिखा बैठाइए यानी बहुत एकदम अच्छा सोच थी मतलब मैंने बहुत अच्छा गैस किया था ओके व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अच्छा ये पूरा रेक्टेंगल उसका एरिया हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था ये सेवन थोड़ी है सेवन तो यस yes, यस yes. ये सेवन seven... एक सेकेंड एक सेकेंड मेरी मिस्टेक हो रही है अच्छा ट्वेंटी एट स्टेम्स आ सकते हैं लेकिन हमको एरिया पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओके okay, तो बेटा ये कितना है एट सेंटीमीटर है ये एट और ये कितना है ये ट्वेल्व सेंटीमीटर है देखो टू एंड टू फोर ऐसे टोटल कितना है ये फोर्टीन सेंटीमीटर है और ये एट सेंटीमीटर तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो फोर्टीन मल्टीप्लाई फोरटीन मल्टीप्लाई एट कितना होगा एल इंटू बी वन हंड्रेड ट्वेल्व स्क्वाड आएगा क्या आएगा आंसर वन हंड्रेड ट्वेल्व नाउ एच द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल अच्छा ये रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना है तो ये कितना है आ, ये फोर्टीन है ना फोर्टीन बेटा स्क्वायर सेंटीमीटर की बात करिए है है. ये तो टू सेंटीमीटर है ना तो टू इंटू फोर इन टू सिक्स टू एट टू टेन टू ट्वेल्व टू फोर्टीन फोर्टीन ऐसे और एट दोनों का नहीं चारों साइड्स का पैरामीटर का मतलब क्या, क्या होता है बाउंड्री क्या होता है बाउंड्री तो बोलो इसका आंसर क्या लिखोगे आप इसी तरह लिखना ये खाली ऐसे नहीं ये ये ऐसे लिखना पहले इसका आंसर जी है ना उसका क्वेश्चन का आंसर क्या, क्या लिखोगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फिर क्या लिखना है आ, देखो बेटा मैंने लिख देखो आप इसको देखो ये मेरे पास स्पेस नहीं थे ना इसलिए मैंने इक्वल टू के नीचे इक्वल पहले क्या लिखना है लाइन पैरामीटर चलो पहले ये समझा देता हूँ ये दोनों क्वेश्चन जी एंड एच एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू इसके सामने करना है इसके सामने बराबर ध्यान से लेक्चर सुन लेना इक्वल टू इसके सामने करना है फिर लिखना है एल मल्टीप्लाई बी एल मल्टीप्लाई बी चलो फिर ये इक्वल टू है ना मैंने यहाँ पे साइड में किया आपको साइड में नहीं करना है आपको क्या करना है इक्वल टू इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए लाइन टू लाइन नीचे आना है और नीचे क्या लिखोगे फोर्टीन मल्टीप्लाई एट यहाँ पे लिखना है फोर्टीन मल्टीप्लाई एट फिर उसके नीचे इक्वल टू आना चाहिए उसके नीचे ऐसे इक्वल टू और लिखना है वन वन टू यानी कि हाँ फोर्टीन को एट से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा वन हंड्रेड ट्वेल्व चलो अब इसका तो पहले क्वेश्चन लिखो फिर आंसर क्या लिखोगे पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल डैश डैश नहीं सॉरी इक्वल टू टू ब्रैकेट में एल प्लस बी ये मैं सिखा चुका हूँ बेटा आपको ठीक है ये थर्ड चैप्टर में सिखा था और अभी भी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ना ये रहा ठीक है अब देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने इक्वल टू साइड में किया है आपको बाजू में नहीं करना है आपको तो नोटबुक में करना है तो इक्वल टू के नीचे बिल्कुल ऐसे इक्वल टू करना है ऐसे लाइन टू लाइन फिर टू का टू लिखोगे देखो जैसे मैंने लिखा है ना टू का टू आएगा इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू और यहाँ पे कुछ ये ये इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है मल्टीप्लिकेशन की यानी कि मल्टीप्लाई करना है ओके तो ये टू एज इट इज रहेगा इन दोनों का एडिशन होगा ट्वेंटी टू यानी टू मल्टीप्लाई ट्वेंट इज इक्वल टू फोर्टी फोर अब इसके पीछे देखो ये एरिया है अभी मैंने समझाया ना स्टार्टिंग में कि एरिया हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर और इसके अंदर ओनली सेंटीमीटर हाँ मीटर हो तो, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर मीटर किलोमीटर हो तो स्क्वायर किलोमीटर बराबर पता चल गया ना तो ये फोर्टी फोर मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन आपको लाइन टू लाइन ऐसे एकदम सिक्वेंस में एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे आना चाहिए इक्वल इक्वल टू टू ओके नाउ प्रैक्टिस टाइम अब देखो ये प्रैक्टिस टाइम जो है ना उसके क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं तो आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना फर्स्ट अरबाज प्लांस टू टाइल हिस्स किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स यानी अरबाज है ना ये नहीं उसका किचन ही है वो किचन के अंदर ऐसी ग्रीन टाइल्स लगाना चाहता है बराबर ऐसी ऐसी ग्रीन टाइल्स तो कैसे पता चले कितने वो पूछा है ईच साइड ऑफ द टाइल इज टेन सेंटीमीटर यानी हर एक जो टाइल है ना उसका मेजरमेंट दिया है उसकी लेंथ कितनी बोल रही है टेन सेंटीमीटर कितनी है टेन खाली लेंथ दिया है देखो ईच साइड टाइल टेन सेंटीमीटर ओके स ओनली ओनली टेन सेंटीमीटर दिया बेटा सो so ये हम लोग मतलब मान लेते हैं कि ये स्क्वायर ही है क्योंकि ये रेक्टेंगल होता ना तो दो नो मेजरमेंट दिया होता ओके <coughs> नाव okay, क्या लिखा है आगे हिस किचन इज टू हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर इन लेंथ एंड वन हंड्रेड एटी सेंटीमीटर वाइड यानी इसका जो किचन है ना उसकी लेंथ जो है ऐसे लेंथ वो टू हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर है और विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई यानी कितना चौड़ा है वो 180 देन क्वेश्चन क्या है हमारा हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड यानी उसको ऐसे कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी तो बेटा ऐसा जो क्वेश्चन है ना कि एक चीज दिया हो और उसके सामने कोई बड़ा भी मेजरमेंट दिया हो और पूछा हो कि ऐसे हम लोग कितनी चीज इसके अंदर लगा सकते हैं तो दोनों का हमको एरिया फाइंड करना पड़ता है क्या करना पड़ता है दोनों का एरिया यानी छोटी चीजें उसका और बड़ी चीजें उसका तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे किया है देखो यहाँ पर कैसे करना है देखो हाँ इसकी मैं आपको हो सकेगा तो मैं इसकी आपको पी डी भेजूंगा ठीक है इसमें से आप देख के भी लिखना सी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस टाइम क्या लिखा है प्रैक्टिस टाइम एंड पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी ये रहा 148 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पेज नंबर टेक्स्ट बुक 148 देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए आपको क्वेश्चन लिखना है और आंसर ये जो मैंने बताया हूं, उस तरह से लिखना है क्या है तो देखो यहाँ पर टाइल इज स्क्वायर टाइल कैसी है स्क्वायर है यानी कि 10 सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल यानी जो स्क्वायर टाइल का जो एरिया है ना उसका यह yes, क्या आएगा फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई एल वेरी गुड याद हो गया याद हो गया बेटा एरिया फाइंड करना है ना मैंने क्या बोला अभी दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई टेन यानी कि टेन और टेन कितना होगा हंड्रेड पीछे कौन सा वर्ड लगाना है हमको सेंटीमीटर स्क्वायर या तो फिर आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर तो अब से हम लोग ये नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर इतना पता चल गया नाउ किचन इज किचन इज रेक्टेंगल किचन कैसा रेक्टेंगल है सर कैसे पता चला रेक्टेंगल क्योंकि उसकी भी दी है 220 और उसकी बी यानी कि बी को हम क्या बोलेंगे इसे मैंने दोनों लिखा इज इक्वल टू कितना दिया 180 तो हमने टाइल्स का तो एरिया फाइंड कर लिया अब किचन का भी एरिया फाइंड करते हैं सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किचन रेक्टेंगल किचन है ना उसका क्या होगा एल मल्टीप्लाई भी इसके जैसे ही यहाँ पे एल एल क्योंकि ये ये स्क्वायर था रेक्टेंगल है तो 220 मल्टीप्लाई 180 तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39,600 39,600 गट इट स्क्वायर सेंटीमीटर ओके नाउ अब क्या करना है जो बड़ा मेजर है उसमें से छोटे मेजर को डिवाइड करना है क्या करना है नाउ इसका कितना है 39,600 डिवाइडेड बाय 100 अब देखो मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर से मैं सिखाते आ रहा हूँ कैसे ऐसे काटम पिटी करनी है, काटम, काट, काटम, काट, पंगा करना है ये दो जीरो दो जीरो टाइल्स ही नीड फॉर हीस किचन यानी उसके किचन में ऐसे कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी थ्री हंड्रेड नाइनटी सिक्स देखो मैं वीडियो अब वीडियो को पोस्ट करके ये आंसर नोटबुक के अंदर लिख लेना ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बी क्या है क्वेश्चन बी द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज ट्वेंटी समझते हो ना स्क्वायर गार्डन स्क्वायर पहले से बोल दिया है वो कितना दिया ट्वेंटी मीटर इन लेंथ यानी ये जो ये गार्डन है ना उसका फेंसिंग फेंसिंग यानी बेटा आजू बाजू में जो तार नहीं लगाते हम लोग ये आयन का जो फेंसिंग करते हैं ना हाँ यानी कि कोई बाहर वाला अंदर घुस ना जाए या फिर कोई एनिमल्स वगैरह अंदर एंटर ना इसको फैंसिंग तो उसकी लेंथ दी है अब ऑब्वियसली लेंथ है बराबर स्क्वायर बोला है तो ये चारों साइड्स हुआ ना यहाँ पे ओनली स्क्वायर बोला है नहीं सॉरी ये नहीं सॉरी ये तो ये सी क्वेश्चन का है सॉरी सॉरी अब देखो हीरा मैंने यहाँ बनाया है हीरा देखो हीरा स्क्वायर अब फेंसिंग यानी वो तार बोलते हैं ना वायर बोलते हैं ना थीन वाह उसके जैसा है है ना ये चारों तो उसकी लेंथ बोलिए लेंथ कितनी ट्वेंटी अब लेंथ बोलिए यानी चारों साइड्स का लेंथ बोल दिया है मान लो ये फेंस में यहाँ से काट दू यहां से मैं काट तो एकदम स्ट्रेट बन जाएगा ये सो नो स्ट्रेट बनेगा ना तो उसकी लेंथ बोली कितनी ट्वेंटी फिर उसको ऐसे ही स्क्वायर में ऐसे लगा दिया है ट्वेंटी मीटर है सो इट्स पैरा कितना है तो उसी को हम क्या बोलेंगे पैरामीटर ही बोलेंगे ना क्या बोलेंगे उसको पैरामीटर क्यों सर पैरामीटर बोलेंगे क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना फेंसिंग की फेंसिंग फेंसिंग एक साइड छोड़ने किया होगा चारों साइड्स किया है चारों साइड्स और उसका माप हमको उसका मेजर हमको पहले से ही दे दिया है कितना तो बोले ट्वेंटी मीटर और वो चारों साइड्स का मतलब ही क्या होता है पैरा मीटर क्या होता है पैरा सो इट्स पैरामीटर ट्वेंटी मीटर पहले से हमको ट्वेंटी मीटर बोल दिया है यानी कि पैरामीटर कितना हुआ एल 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 हुआ तो मैंने देखो ये लिख के समझाया आपको एल 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 तो ट्वेंटी मीटर पहले से दे दिया है और उसका फॉर्मूला क्या है एल 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 लिखो चार बार या तो फिर फोल मल्टीप्लाई एल लिखो तो हमको एक साइड्स का फाइंड करना है तो देखो ये मैं सब कुछ ना करूँ तो भी आपको पता चल जाएगा चारों साइड्स का ट्वेंटी है तो एक साइड्स का कितना चारों साइड्स का ट्वेंटी मीटर है तो एक साइड का कितना तो आप क्या करोगे सर चार 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 हाँ सर फाइव होगा फाइव ही होगा ना फाइव और फाइव 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 टेन फाइव फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी ये तो छोटा था तो आपने फाइव फाइव बोल दिया लेकिन इन शॉर्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपने क्या किया डिवाइड किया है ट्वेंटी को फोर से डिवाइड किया क्यों फोर से डिवाइड किया क्योंकि साइड्स कितनी है फोर फोर साइड्स है ना तो लेकिन हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए कैसे उसके एक, एक क्या बोलते हैं ना उसके एक स्टेटमेंट बनता है और स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे हाँ बेटा उसके एक प्रॉपर वे में जाना चाहिए ना लिखने के लिए तो ट्वेंटी मीटर पैरामीटर ऑलरेडी हमको दिया है बराबर तो ट्वेंटी मीटर और ये फॉर्मूला तो हम रखेंगे साइड में इन शॉर्ट आपको ये सब ना लिखना हो ना तो आप इतना लिख दो वन साइड इज़ ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर देखो ये फोर है ना वो डिवाइड में आ गया ओके okay, डिवाइड में आ गया ना सो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर बराबर क्या आएगा फाइव सेंटीमीटर आप क्या करना ये जो ट्वेंटी है ना यहाँ पे मत लिखना पहले क्या लिखना इट्स अ पैरामीटर इज इक्वल टू एल 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 फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखना ट्वेंटी ट्वेंटी मीटर इज इक्वल टू पैरा मीटर इक्वल टू तो करना ही है ओके इक्वल टू के नीचे इक्वल टू पैरामीटर के नीचे लिखना है ट्वेंटी मीटर फिर इक्वल टू के बाजी में क्या लिखना है ये कुछ नहीं है फोर मल्टीप्लाई एल फिर ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू और यहाँ पे क्या लिख दोगे वन साइड इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर यानी फोर से डिवाइड करोगे ना कितना आएगा फाइव सेंटीमीटर ओके तो इट्स लेंथ कितनी फाइव सेंटीमीटर वन साइड की अब क्वेश्चन नंबर सी अ थीन वायर ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इन टू रेक्टेंगल एक वायर थीन पतला सा वायर है ट्वेंटी सेंटीमीटर लंबा है बराबर रेक्टेंगल के अंदर इफ द विथ ऑफ द रेक्टेंगल अच्छा उसकी जो विर्थ है ना ये विर्थ वो फोर सेंटीमीटर हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी बताओ बहुत ईजी क्वेश्चन है चलो सोच के बताओ, गैस करके। देखो ये वायर एक वायर है पतला वायर है ऐसे रेक्टेंगल यहाँ से मैं ये वायर को काट देता हूँ काट दिया तो एकदम ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा स्ट्रेट वायर बन जाएगा फिर मैं यहाँ से फोल्ड करूंगा फिर यहाँ से तो ऐसे फिर ऐसे फोल्ड करूंगा तो ऐसे ऐसा तो रेक्टेंगल बन जाएगा तो उसका वायर का पूरा जो वायर है वो रेक्टेंगल टाइप में बनाया है उसको वायर से लेकर थीन वायर लेके वो कितना लंबा है ट्वेंटी सेंटीमीटर बराबर उसकी विथ अब ये विथ फोर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी ऑब्वियसली ये फोर तो ये भी फोर ही होगा देखो ये रहा ये रहा क्वेश्चन देखो ये मैंने समझाया है लेकिन ऐसे लिखना नहीं है लिखना तो अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है देखो थीन वायर ठीक है तो ये फोर तो ये भी कितना होगा फोर तो फोर और फोर कितना हो गया एट हो गया देखो फोर प्लस फोर, फोर और हमको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है ऑपोजिट डिरेक्शन की जो साइड्स होती है कैसी होती है इक्वल होती है जब ये फोर और फोर कितना एट है एट हुआ टोटल कितना था ट्वेंटी है ना टोटल ट्वेंटी तो ट्वेंटी में से ये टोटल <coughs> चारों साइड्स जो ट्वेंटी है उसका मेजरमेंट ट्वेंटी में से ये दोनों का एट हुआ वो माइनस कर दो तो कितना बचा ट्वेल्व बचा अब ये ट्वेल्व किसका होगा इन दोनों का होगा और ये दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे तो 12 को इन दोनों में डिवाइड करो तो कितना आएगा सो वन वन साइड इज 6 एंड 6 यानी ये भी 6 और ये भी 6 लेकिन ऐसे आंसर नहीं लिखना है इनको कैसे लिखना है देखो मैं बता रहा हूँ थिन वायर रेक्टेंगल कैसा है रेक्टेंगल इज इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ विड्थ यानी b b बोलेंगे ना इट्स 4 सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको पैरामीटर पता है क्या फॉर्मूला क्या है उसका टू ब्रैकेट में एल प्लस बी रेक्टेंगल के जो पैरामीटर उसके नीचे लिखो ट्वेंटी इक्वल टू के नीचे देखो लाइन टू लाइन आना चाहिए इक्वल टू आगे पीछे नहीं होना चाहिए ट्वेंटी और यहाँ पे फॉर्मूला लिखो टू का टू एल प्लस फोर अब क्या करेंगे ये जो टू है ना ये इक्वल टू के इस साइड से जब इक्वल टू के इधर लाना है हमको क्या करना इधर साइड तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा बराबर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू तो एज इट इज ऐसे की वैसे रहेगा ए टू तो निकल के यहां से आ गया ट्वेंटी को टू से डिवाइड करेंगे कितना आएगा टेन बोलो बोलो कितना आया टेन फिर ये एल प्लस फोर है अब ये प्लस में ये प्लस ये फोर किस में प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा सो so, सोचोगे सर यहां पे डिवाइड आया ये माइनस आया हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा मैं बता देता हूँ ये अभी आपको माइंड के अंदर लेना भी नहीं समझना भी नहीं है शॉर्ट में इतना ध्यान दो आप ये समझे कि नहीं समझे ये चलो अच्छा एग्जाम के अंदर यदि आए ना ये क्वेश्चन आप इस तरह से लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा ठीक है हाँ इस तरह से लिखना तो भी लेकिन हमको एक सिस्टेमेटिक बेटा लिखना है फिर से मैं बता रहा हूँ ये टू इसके साथ किस में यहाँ पे मल्टीप्लाई है जब कोई भी चीज़ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और इक्वल टू के दोनों साइड से इधर उधर जावे ना तो वो क्या किस में जाएगा डिवाइड में ओके okay, सो so, और मानो ये कोई एडिशन में हो एडिशन में हो और इक्वल टू के इधर लेना है क्यों सर इधर लिया क्योंकि 10 में से माइनस करना है मुझे 10 तो ये हाँ तो ये प्लस हो तो माइनस हो जाएगा मानो इधर कोई नंबर माइनस होता और इधर जाता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता ठीक है तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाए माइनस तो एल इज इक्वल टू सेंटीमीटर आगे ना तो लेंथ इज सिक्स सेंटीमीटर ये ज्यादा आपको लिखना है इस तरह आप दोनों साइड से लिखना बीच में देखो इसे मैंने और लिखा है ये क्वेश्चन का आंसर अच्छा आप दोनों साइड से लिखोगे लेकिन ऐसे एक ही एक ही बार में ऐसे मत लिख देना आपको पहले ये लिखना है फिर नीचे बड़ा सा और लिख के फिर ये पूरा के पूरा नीचे लिखना है ठीक है ये तो लिखना ही है ये पूरा लिखना है पहले ये लिखना है ये आप समझ जाओ इसलिए मैंने लिखा ओके नाउ क्वेश्चन डी अच्छा बेटे काम करो अभी क्वेश्चन डी और ई e है ना आप लोग खुद एक बार ट्राई करो देखो आता है तो ठीक है नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना इसीलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन डी ई एफ ये तीनों है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखें और एक नया न्यू टॉपिक है ना ये माय बेल्ट इज लॉन्गेस्ट जो भी टॉपिक वो हम लोग देखेंगे ठीक है आप लोग खुद ट्राई करना नहीं आएगा तो फिर मैं करवाऊंगा ठीक है इन शॉर्ट मैं तो करवा नहीं लेकिन आप खुद ट्राई भी करना ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू